There. Yes. What about London? What about London? Yeah. It's extremely expensive. Uh-huh. Alcohol control. Uh-huh. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है और मैं हॉस्टल में ही ब्रेकफास्ट कर रहा हूं और यहां पे ब्रेकफास्ट का कॉस्ट मुझे अराउंड 3.5 पाउंड्स लगा है और जो कि बहुत ही चीप है यहां के हिसाब से। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहां पे, ब्रेड, बटर टोस्ट, जैम, फ्रूट्स, जूसेस, अनलिमिटेड कॉफ़ी, टी, तो आराम से आप अपना पेट भर सकते हैं। और मैं तो जहाँ मतलब कोशिश यही करता हूँ, जिस भी हॉस्टल में रुका हुआ हूँ अगर इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट वो चीप पड़ता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं जाके देखता हूँ वहाँ ब्रेकफास्ट ऑप्शन है कि नहीं। देखो, सुबह सुबह आपको अच्छी तरह से खाना खाना चाहिए और मैं तो प्रेफर करता हूँ बहुत सारा जम के खाइए कि आप ट्रैवल करें तो उस समय आपको थकान ना हो और बहुत ही सही रहे ये चीज़ें। तो 3.5 पाउंड्स सही है, बहुत सही है लंदन के हिसाब से। और मेरे साथ है डेरा फ्रॉम बफल न्यूयॉर्क और ये भी एक सोलो ट्रैवलर है। सो व्हाट अबाउट यू? हेलो, हाउ आर यू? या, हाउ वाज द ब्रेकफास्ट? द ब्रेकफास्ट वाज गुड, आई माइट स्टिल ईट। आहा, सो वेयर आर यू गोइंग फ्रॉम हियर? क्राकाओ, पोलैंड। आ, टुमारो यू विल लीव? ओह नो, टुडे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये मोहतरमा हॉस्टल में ही रहती है, कल मुलाकात हुई थी, साथ में हमने टूर लिया था, वॉकिंग टूर, और आज ये क्राकाओ पोलैंड के लिए फ्लाई करने वाली है और मैं बाद में ट्रैवल करूंगा बाय बस फ्रॉम यूके टू नेदरलैंड्स। प्रोबेबली वी लास्ट, एक्सक्यूज मी, टू लंदन ब्रिज? नो, सॉरी, यू कैन टेक दिस, हां, एंड देन चेंज टू एंड गेट अनदर 17 दैट टेक्स यू ऑल द वे टू लंदन ब्रिज। इफ नॉट, uh-huh. Okay. I get another 17. Okay, we can board in this. Yeah, not an issue. So from where we need to change the bus? You stay downstairs. Okay. And I'll give you a shout. Yeah, thank you very much. So ab main ja raha hoon London ke famous monument London Bridge pe aur bus mein board ho gaye hain. Actually ek bus change karni padegi और फिर वहाँ पे लंदन ब्रिज पहुँचेंगे। और वैसे जहाँ हॉस्टल में मैं रहता हूँ वहाँ से डायरेक्ट बस भी है, बट जो बस मुझे पहले मिली मैं उसमें बोर्ड कर गया और जो ड्राइवर मोहतरमा है उन्होंने बताया कि मैं आपको बता दूँगी कहाँ से बस आपको चेंज करनी पड़ेगी लंदन ब्रिज के लिए। तो ये है लंदन का आइकॉनिक ब्रिज, लंदन ब्रिज, और यहाँ पे फ्री एक्सेस भी कर सकते हैं आप, फेरी भी ले सकते हैं, बड़ी अच्छा तरीका है। साइड से एक गेट है, वहाँ पे बिना टिकट्स वाले आ सकते हैं और आराम से इसे देख सकते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप लंदन आ रहे हैं तो इस ब्रिज को देखें।
सो अभी हूँ मैं लंदन के लंदन ब्रिज स्टेशन पे। ये बड़ा सा स्टेशन है, यहाँ पे सारे एयरपोर्ट्स के लिए ट्रेन्स हैं और अंडरग्राउंड है। तो मुझे जाना है यहाँ से हाइड पार्क, तो यहाँ से पकड़नी पड़ेगी अंडरग्राउंड और फिर जुबली स्टेशन पे उतर के वहाँ से बस लेनी पड़ेगी हाइड पार्क के लिए। बहुत अच्छा चल रहा है ट्रेवल, लेकिन बारिश कबाड़ा कर रही है। इस तरफ है अंडरग्राउंड जाने का रास्ता। तबाही मचा रखी है बारिश ने। अंडरग्राउंड सीधा। कुछ ब्लॉगर्स निकले थे पास से बड़े कैमरा सेटअप के साथ, अपने पास तो एक छोटू कैमरा है बस। और आज का लंच यहीं पे हुआ स्टेशन पे ही। कुछ वेजिटेरियन मिल गया था एक स्टोर में। एक्चुअली वेजिटेरियंस और वीगन के लिए लंदन में खाने की कोई कमी नहीं है, और इंडियन रेस्टोरेंट्स तो इतने हैं कि क्या बताएं। कि कहते हैं कि दिल्ली और मुंबई से ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे लंदन में है। हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है खाना, बट अगर आप थोड़ा स्मार्टली मैनेज करेंगे कुछ रेस्टोरेंट्स में तो आप आई थिंक 20 pounds में गुजारा कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। हाँ ये है जुबली लाइन में जाना है मेरे को, और यप लंदन में सफ़र करने के लिए अंडरग्राउंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और ये सारी अंडरग्राउंड्स बहुत ही फास्ट है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सारी इंफॉर्मेशन आपको कोच के अंदर मिल जाती है। अंडरग्राउंड से बाहर आ गया हूँ और यहाँ से 19 नंबर की बस पकड़नी है। 3 स्टॉप के बाद आ जाएगा हाइड पार्क और आई थिंक बस आ गई है। बस तो लंदन की अंडरग्राउंड के बाद यहाँ की डबल डेकर बसेस बहुत फेमस है और बहुत ही कन्वीनियंट है ये ट्रैवल करने के लिए सिटी के अराउंड, और इनकी चार्जेस भी अंडरग्राउंड से कम है। बट अंडरग्राउंड बहुत फास्ट है बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है, इसलिए बस थोड़ी स्लो है बिकॉज लंदन की सड़कें इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है, काफ़ी नैरो है। तो बस से उतर गया हूँ और अभी हाइड पार्क जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बस में आपको चलते टाइम अपना कार्ड टैप करना होता है, और आपके पास अगर कॉन्टेक्टलेस कार्ड है क्रेडिट या डेबिट तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। और मेट्रो स्टेशन जिन्हें यहाँ पे अंडरग्राउंड कहते हैं, वहाँ पे आप गूगल पे से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। अभी कुछ बारिश रुकने के बाद ठीक लग रहा है, ठंड भी कम है, और आपको यहाँ पे रोड क्रॉस करना ध्यान से देख के करना चाहिए। हर जगह लिखा हुआ होता है आपको किधर देख के रोड क्रॉस करनी है, लाइक लुक लेफ्ट और लुक राइट। इवन अगर रेड लाइट है और कुछ नहीं आ रहा है तो आप देख के रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये कोई आई थिंक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है यहाँ पे। '1637 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ ये है हाइड पार्क। लंदन सेंट्रल में ये काफ़ी फेमस है
और आमतौर पर लोग यहाँ वॉकिंग रनिंग के लिए आते हैं। वैसे तो कुछ खास नहीं है देखने के लिए, बस पानी है यहाँ पे। ये आप बर्ड्स वगैरह ये पानी के देख सकते हैं, उधर बोट्स वगैरह भी है लेकिन अभी फ़िलहाल इन लोगों ने बंद कर रखी है। तो आप भी अगर फ्री थिंग्स टू डू इन लंदन में कुछ करना चाहते हैं तो ये भी एक फ्री का ऑप्शन है। आप यहाँ आके रिलैक्स कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। How many yards in a mile? Oh, jeez, I don't know. That's a good one. That's a good question. Yeah. God. Way to make me think right now. Okay.